कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला जेल में बंद हैं। वे 33 साल पुराने रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा काट रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि सिद्धू ने जेल में दाल रोटी खाने से इनकार कर दिया है। उन्हें पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। दरअसल जेल प्रशासन द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। ये सिद्धू के लिए डाइट प्लान तैयार करेगा। दरअसल सिद्धू ने दावा किया है कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है। ऐसे में उन्होंने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है। वे जेल की दाल रोटी नहीं खा रहे हैं, वे सिर्फ सलाद खाकर गुजारा कर रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर सी जी, उन्होंने कुछ टेस्ट होने सी ते कुछ उन्होंने जड़िया उन्होंने मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक बीमारिया ने उन्होंने टेस्ट ते उन्होंने डाइट रिकमेंडेशन करनी सी। दो डॉक्टर्स का एक सीनियर डाइटिशियन का बोर्ड बिठाया गया जी, जो जो उन्होंने डिटेल्ड हिस्ट्री ली है वो मुताबिक उन्होंने टेस्ट लिखे ने, उन्होंने टेस्ट हो रहे हैं। उस तो बाद फाइनल कंकलूजन पर पहुँचा। एक DVT कहें जी, डी वेन थ्रोम्बोसिस, वो मेन इलाज चल रहा जो दवाइया भी ते ओदे नाल दी उन्हों जो डाइट रिकमेंड ऑलरेडी किया हुआ डॉक्टर्स ने ओदे नाल बेसिकली रिलेटेड है। ते टेस्ट होने जी दिल दे टेस्ट होने ने, ब्लड दे टेस्ट होने, यूरिन दे टेस्ट होने। हाँ जी, अज सारे हो रहे ने। हुण टेस्टां लई गए होए ने जी। नहीं, खाण पीण की दिक्कत नहीं है जी, बीमारियों के मुताबिक कुछ डाइट एडवाइस की हुई है। हाँ जी, वो डाइटिशियन दस देंगे जी सारा, अज रिकॉर्ड तो बाद रिपोर्टों तो बाद भी उस ही ऐड कर देंगे जी। खाण की दिक्कत कोई नहीं है, और जो जो भी डॉक्टर्स ने ऑलरेडी उन्होंने डाइट एडवाइस की हुई है। दो डॉक्टर्स ने जी, तो एक उन्होंने सीनियर डॉक्टर।